दो दिन पहले गुलबर्गा वार्ड नंबर 22 खारीबोड़ी मोमिनपुरा इलाके में 70 साल एक बुजुर्ग पर तेज बारिश की वजह से घर का छत गिर गया और इन्हें मन्नूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। दो दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आज इस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है। 70 साल इस बुजुर्ग का नाम अब्दुल वहीद था। घर में ये आराम कर रहे थे और बारिश की वजह से फर्श के छत का पूरा मलबा इन पर गिर जाने से इनकी मौत हुई है। छत गिरने की आवाज़ सुन पड़ोस के नौजवानों ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की और आज हॉस्पिटल में इनका इंतकाल हो गया है। इंतकाल की खबर सुन यूनुस खान केटीएस इनके घर पहुंचकर घर वालों से मुलाकात की और अपनी जानिब से इनकी माली मदद करते हुए गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड कर कहा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिए इनको कंपनसेशन दिलाया जाए। गुलबर्गा शहर में कई मुख्तलिफ इलाक़ों में कदीम कमज़ोर घर मौजूद हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए तमाम कदीम घरों को मजबूत बनाने में गरीबों की मदद करें। यूनुस खान केटीएस हमेशा परेशान लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी मोमिनपुरा इलाके में हुए इस हादसे के बाद घर वालों से मुलाकात कर यूनुस खान केटीएस ने इनकी माली मदद की है। आज मोमिनपुरा में गदाई मस्जिद के पास जो एक घर गिरा था पिछले 2-3 दिन पहले बारिश की वजह से, और आज अब्दुल वहीद साहब का जो मन्नूर हॉस्पिटल में एडमिट थे उन्हों, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज उनका इंतकाल हो गया है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपील करते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो भी कंपेंसेशन उनको आना चाहिए वो दिलाइए, क्योंकि बहुत ही गरीब फैमिली है और ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते। एक बहुत ही अफसोस एक हादसा हो गया है मोमिनपुरा में। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि वो फैमिली को कुछ ना कुछ इमीडिएट उनको रिलीफ तो दिलाइए, क्योंकि जो जान गई वो जान तो आ नहीं सकती। उनके फैमिली को जो बैकग्राउंड है उनके लिए, उनकी मिसेस है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए कॉम्पेंसेशन का जल्द से जल्द इंतजाम करें।